हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने आलू रख दिया बॉईल होने के लिए और धनिया मैं कट कर रही हूँ, फिर मुझे ऑनियन कट करना है। तो लेट्स सी, सब लोग सो रहे हैं अभी, तो देखते हैं कितने बजे सब लोग जागते हैं। जब तक मैंने सोचा कि आलू बॉईल कर लेती हूँ ताकि फिर अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बिकॉज आज हस्बैंड की ऑफ नहीं है। आज हस्बैंड का ऑफ नहीं है, उनको जाना है जल्दी टाइम से। तो मैंने सोचा कि अभी बाबू भी सो रहा है तो फटाफट जल्दी से जितना काम हो सके उतना काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से आलू के पराठे नहीं खाए हैं। आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, एवरीथिंग, आलू इज़ किंग, तो सारी ऑलमोस्ट चीज़ों में यूज़ होता है। बट नाउ बनाते हैं आलू के पराठे। सबसे अच्छी खास बात ये है कि आपको सारी वेजीज, ऑलमोस्ट सब वेजीज बहुत नीट एंड क्लीन मिलेंगी। मतलब यू नो, कोई उसके अंदर डर्ट, मिट्टी और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट इंडियन है या कहीं भी है, हमें वेजीज वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि हमें सारी वेजीज एकदम नीट एंड क्लीन होती है, तो इट्स गुड। Now I'll take some curly veg. As you know, curly veg, I love the most. Now we wash curly veg also.
चलो आप इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर या कहीं पे भी आप चले जाओ, जो बट इंडियन जायका है ना, मतलब जो हमारा टेस्ट है, जो हमारी मम्मी हमें खिलाती थी या फिर वॉट एवर कुछ भी आप ले लो, बट वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती। वो आप कहीं पे भी घूम लो, वो चीज़ आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती, या तो आप खुद कुक करो। फिलहाल यहाँ में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी बाहर से, मतलब खाया पिया बाहर, बट एट द एंड आई लव, मतलब कि आप घर का खाना खाओ, ठीक है, वी लव टू ईट घर का खाना ऑलवेज। मतलब हम बाहर कहीं पर भी रेस्टोरेंट वगैरह हर जगह खा लेते, बट ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी रही है, समथिंग लाइक दैट। मतलब रात को 1:30 बज जाता है तो वी थॉट कि नहीं यार, कुछ तो होना चाहिए, तो इसीलिए वी थॉट कि मेरे आलू भी हो गए, आटा भी बन गया, एवरीथिंग इज रेडी, नाउ पीते हैं चाय। तो यहाँ पे मेरा किचन में सारा ऑलमोस्ट काम हो गया है, और यहाँ पे दोनों पापा बेटा जग चुके हैं। पापा तो ऑलरेडी जग ही गए थे, बातें बातें कर रहे थे हम। तो यहाँ पे अग्गू जग गया है। अग्गू, अगस्त्या हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग, से हेलो टू मम्मा व्यूअर, गुड मॉर्निंग। He is busy right now with playing my fingers. तो जब हम अभी तो ब्रेकफास्ट किया नहीं है, खैर थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं इनसे पूछ रही हूँ दोनों से, सबसे, कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी सब बोल रहे हैं नहीं, अभी मन नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे। भाई तनिष्क से गिफ्ट लेकर बन रहे हैं आलू के पराठे हम सबके लिए, विथ वेयर ऑफ माय ड्रेस। ये देखिए, इनको आलू के पराठे बनाने के लिए चकले की जरूरत नहीं होती, बिकॉज से मार्बली चकले का काम कर देता है यहाँ पर। ये बन रहा है एक आलू का पराठा, और ये बन चुके हैं दो, और बाकी रखे हैं अंदर। ये देखिए आलू के पराठे को कैसे तेल लगा रही है,
ऐसे तो मैं लगाती हूँ। ऐसे ही इसने मुझे मक्खन लगा रखा है शॉपिंग के लिए। अभी पराठे में तेल और मेरे को मक्खन शॉपिंग के। और ये अंकित भाई एंड पवन भाई खेल रहे हैं अगस्त्या के साथ। चाचा जी एंड ताऊ जी दोनों एक साथ, देखो ये दोनों खेल रहे हैं। तभी इसकी मम्मी पराठे बना रही है। तभी तो हमको पराठे मिलेंगे, तभी तो हम पराठे खाएंगे, है ना। और पवन भाई का टाइगर है ये। पराठे लगा चुके हैं हम लोग ड्रेसिंग टेबल में। ये सो ये है पराठे, चाय, दही, प्लेट लग चुकी है। और ये रायता, जिसको जो खाना है वैसे ही खाना पड़ेगा। अगस्त्या, अगस्त्या टीवी चलाओगे ना सिर्फ? भाई क्या लगाना पता है? शिव जी का डमरू बाजे, फिर डमरू बाजे, ऐसे ऐसे। ये अब खराबी होने लग गया। वो पहना हुआ है डोनाल्ड डक नो प्रोबेबिलिटी के साथ। रेडी और हम जा रहे हैं अबू धाबी के मंदिर, मतलब अक्षरधाम मंदिर, एज यू कैन से। और ये हो गया बेबी भी रेडी, से हाय, से हाय। तो अगस्त रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो so this footwear, everything is ready, baby का सारा सामान रेडी कर लिया है। और हमारे घर में जो न्यू ब्राइड आई है वो भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है, रेडी हो रही है। तो रेडी होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसी लग रही है। और बाय द वे उनका नाम है सोनाक्षी और अगस्त्या। और ये हो गया बहुत ज़्यादा शैतान। अब ये इधर से उधर 365, मतलब 380 डिग्री घूमता है। मैं 365 कह रही हूँ। अगु शून बच्चा। तो यहाँ हम निकल गए थे और गाड़ी में हम बैठ चुके थे। पवन भैया और हैरी भैया आ रहे थे दूसरी कार में और मैं और अग्गू बैठे हुए थे पीछे और आगे भैया और सोनाक्षी बैठे हुए थे। तो हम गाने सुनते सुनते जा रहे। तेरे को नीचे कुछ नीचे कुछ फैशन पहनना पड़ेगा तेरे को। अपने नीचे क्या लुंगी पहन के जाता हूं? हां वो दे देंगे तेरे को ब्लू कलर। गंदी लगी। बट इधर से बहुत ब्लैक आ रही है। ओ यार ये ब्लू हो गया। हाँ यहाँ पे यही है मॉइस्चर। अगो चलो चलो चलो
इधर देख भाई, तू मिरर में मत देख बस। तो हम चलते चलते बहुत सारी बातें कर रहे थे और ये मंदिर काफी बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे अक्षरधाम अपना है इंडिया में, सेम तो नहीं कह सकते, बट अबू धाबी में ये मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आ जाओ एंट्री कर लो, मेरा व्लॉग है और साथ में फोटो है, ये फोटो भी लेना है? नहीं नहीं वीडियो भी। Thank you. यहाँ पे फ्लावर परचेज हो गए भगवान जी के लिए। Wow. अरे न्यू ब्राइड और ग्रूम तो रह ही गए पीछे। थोड़ा सामने भी देख लो, फोटो भी है। तो यहाँ पर फाइनली हम दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पर मैं ऊपर जा रही हूँ और अगस्त्या उनके चाचू के पास है ताकि मैं आराम से इंजॉय कर सकूँ। इंजॉय क्या, दर्शन एक्चुअली मैं कर सकूँ। और यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मतलब अंकित भी और सोनाक्षी भी आ गए थे और हम सब मिलके फ़ोटोज़ क्लिक्स करवा रहे थे। एक्चुअली मैंने भी अपने पार्टनर को बहुत मिस किया क्योंकि अभी तक उन्होंने ये मंदिर नहीं देखा है और मैंने ये अकेले ही मंदिर आज देखा। नहीं नहीं मतलब वैसे आप दोनों और एंजॉय कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, मेरे साथ अभी फिलहाल तो अगस्त या था तो कमी पूरी तो नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छा लगा, इन्जॉय किया हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा। स्पेशली मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर है, अंदर से मैं फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकती थी क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है कैमरा या फ़ोन, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जितनी मैं बना पाई मैंने उतनी तो बना ली है, बट बहुत सुंदर था। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे बट हमें इवनिंग तक रुकना था क्योंकि इस मंदिर में स्पेशली लाइटनिंग इतनी सुंदर होती है ना, तो हमें वो देखना था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, हम वहीं पर आ गए थे, मतलब आप कह सकते हो कैफेटेरिया और समथिंग, तो हम यहाँ पर आ गए थे। फिर हम चूज़ कर रहे थे कि हमें खाना क्या है, तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि साउथ इंडियन ट्राई करेंगे बिकॉज साउथ इंडियन लाइट भी होता है और सबसे मतलब सबको अच्छा लगता है, सबका फेवरेट होता है। तो हमने फिर साउथ इंडियन ही ट्राई किया, बट यहाँ का इंटीरियर तो ऑसम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि एक तो पूरा वुडन लाइट तो हमेशा मतलब सुलाने में लगे रहते हैं और फाइनली अगेन इन्होंने सुला दिया। इनफैक्ट यहाँ का फूड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर डिसीजन हो रहा है कि क्या लें, कैसा है सोनाक्षी टेस्ट सांबर का? तो यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। बहुत अच्छा।
नहीं एक्चुअल में जब भी जाता है इतना कंफर्टेबल सो जाता है, बेड पे जाएगा बेड पे सो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं सोता है जितनी जल्दी भैया सुला देते हैं। तो फिर हम वहाँ से फ्री होकर आ गए थे ग्रैंड मॉल। ये सबसे बड़ा मॉल है अबू धाबी का एंड यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे मतलब यहाँ से उसके सामने ना ग्रैंड मॉस्क है, बहुत बड़ा मॉस्क है, तो वो दिखता है बिल्कुल। तो हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया वहाँ पर और फिर हमने लास्ट में टिमोटीज में अपनी कॉफ़ी भी मैंने और सोनाक्षी ने और हमने इस तरीके से अपना डे का एंड किया। तो आपको आई होप मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ राधे राधे।